गाइस, अगर आप अपने ग्रो ऐप का स्टॉक सेल करने के लिए होल्डिंग वेरीफाई करना चाहते हो और इसके साथ साथ टीपिन सेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से होल्डिंग वेरीफाई करते हैं और इसके साथ साथ टीपिन चेंज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में ग्रो ऐप को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद अपने ईमेल आईडी के लोगो पर क्लिक करनी है और इसके बाद हेल्प एंड सपोर्ट वाला उसमें क्लिक करनी है। और इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में सर्च बॉक्स दिख जाएगा, तो आपको सर्च बॉक्स में सर्च करनी है। आपको सिंपली सर्च करनी है टीपिन। जैसे आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर में सोने लगेगा व्हाई डू आई हैव यूज टीपिन सेल माय स्टॉक। तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे में दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, पहला है सेट योर टीपिन और दूसरा है वेरीफाई होल्डिंग। तो अगर आप अपना टीपिन को सेट करना चाहते हो तो आपको पहला वाला ऑप्शन में क्लिक करनी है और अगर आप अपना होल्डिंग में वेरीफाई करना चाहते हो तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन को क्लिक करनी है। तो मैं दूसरा वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूं और आपको वेरीफाई होल्डिंग पर क्लिक करके दिखाता हूं किस प्रकार से होल्डिंग वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई होल्डिंग वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताया गया कि वेरीफाई यूजिंग टीपिन एंड ओटीपी। तो जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई यूजिंग टीपिन एंड ओटीपी वाला ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको देने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है तो आपका जो टीपिन है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो फिलहाल में अभी हमको स्टॉक सेल नहीं करना है जिसके कारण अभी हम होल्डिंग वेरीफाई नहीं करेंगे और अभी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से अपना नया टीपिन को सेट करते हैं। तो मैं अब बैक में आता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से टीपिन सेट करते हैं। और इसके बाद अगर आप अपना नया टीपिन सेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सेट योर टीपिन वाला उस पर क्लिक करनी है। जैसे आप सेट योर टीपिन वाला उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बी ओ आई डी और इसके बाद नीचे में पैन नंबर देने को बोला जाएगा। और अगर आपको अपना बी ओ आई डी नहीं पता है तो अपना ग्रो ऐप ओपन करने के बाद अकाउंट डिटेल्स में जानी है तो वहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट नंबर और बी ओ आई डी देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको अपना बी ओ आई डी लेकर यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर मैं अपना बी ओ आई डी देता हूँ अपना टिपिन सेट करने के लिए 1288, उसके बाद 7, उसके बाद लास्ट में 77। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर अपना देनी है तो यहाँ पर मैं अपना पैन नंबर देता हूँ 99। देने के बाद नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन देख दिया जाएगा तो आपको नेक्स्ट वाला उसमें क्लिक करनी है। नेक्स्ट वाला उसमें क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा तो वहाँ उस ओटीपी को आपको यहाँ पर देनी है। देने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाला उसमें क्लिक करनी है तो मैं यहाँ पर अपना ओटीपी दे देता हूँ। ओटीपी देने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाला उसमें क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे न्यू टीपिन का ऑप्शन शो कर रहा है तो यहाँ पे मैं न्यू टीपिन यहाँ पर दे दूँगा और उसके बाद यहाँ पर फिर से उसी टीपिन को यहाँ पर दे दूँगा। रेन्यू टीपिन का ऑप्शन शो कर रहा है तो यहाँ पर फिर से उसी टीपिन को देना है। देने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाला उसमें क्लिक कर देनी है तो आपका जो नया टीपिन जो है वो सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से अपना नया टीपिन को सेट कर सकते हो और अपना होल्डिंग वेरीफाई कर सकते हो। तो आई होप क्लियर हो गया किस प्रकार से अपना होल्डिंग वेरीफाई करते हैं और अपना टीपिन सेट करते हैं। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन और क्वेश्चन है किस प्रकार से होल्डिंग वेरीफाई करें या टीपिन सेट करें तो कमेंट में से कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर। जय हिंद।